दिस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौकछिया भागलपुर। नए सत्र के लिए नामांकन। नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए करते हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नवगछिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों के विभिन्न मांगों को लेकर जीबी कॉलेज में दिया धरना। फुटकर विक्रेताओं एवं रिक्शा चालकों के बीच साबुन एवं मास्क का किया गया वितरण। बैंक से रुपए निकालकर जा रहे वृद्ध से 54,800 की झपट मारी। यूपी से अपहृत युवती खरीक से बरामद। बैंक धोखाधड़ी मामले में एक गिरफ्तार। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बनाए गए तालाब का वरीय उप समाहर्ता ने किया जांच। नारायणपुर प्रखंड राजद के कार्यकारी सदस्य बने अरुण। रंगरा प्रमुख ने ढोलवज्जा में किया जनसंपर्क। बनवा बहियार से देसी शराब की भट्टी, शराब बनाने के उपकरण समेत दो गिरफ्तार। भाजपा ने जनसंपर्क अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। अब खबर विस्तार से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर जीबी कॉलेज में दिया धरना। एसटीईटी की परीक्षा रद्द करने एवं छात्रों के रूम रेंट माफी करने की मांगों को लेकर सोमवार को राज्यव्यापी धरना कार्यक्रम के तहत एबीवीपी नौगछिया के द्वारा बिहार सरकार के विरोध में एक दिवसीय धरना जीबी कॉलेज के प्रांगण में कॉलेज अध्यक्ष अविनाश कुमार के नेतृत्व में रखा गया। वहीं मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनु चौरसिया, कॉलेज अध्यक्ष अभीष कुमार, रवि कुमार सौरभ, अमित कुमार, रवि कुमार शुभम जायसवाल, अभिषेक कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। विद्यार्थी परिषद बिहार प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में सभी शैक्षणिक स्थान पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एस्टेट फुटकर विक्रेताओं एवं रिक्शा चालकों के बीच साबुन एवं मास्क का किया गया वितरण। नौगछिया नगर पंचायत कार्यालय में जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत डे नुलम शाखा के द्वारा 662 फुटकर विक्रेता, रिक्शा चालक, सफाई कर्मी को चिन्हित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत सोमवार को 100 फुटकर विक्रेताओं एवं रिक्शा चालकों के बीच एक साबुन एवं 4 मास्क का वितरण किया गया। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन, अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, विवेकानंद मंडल, मोहम्मद फिरोज आलम, संजीव गुप्ता, सुभाष सिंह, दीपक कुमार सहित प्रधान सहायक आलोक कुमार, संदीप कुमार, प्रीतम कुमार, रंजीत कुमार सहित कई अन्य मौजूद थे। बैंक से रुपया निकालकर जा रहे वृद्ध से 54,800 रुपए की झपट मारी। खरीक बाजार एसबीआई शाखा से सोमवार को निकासी कर घर जा रहे दुर्गंज निवासी अब्दुल अंसारी का बाइक सवार झपटमारों ने रुपया से भरा थैला छीन लिया। झपटमारों का सारा करतूत घटनास्थल के समीप एक व्यवसायी के दुकान के समीप लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि बैंक से रुपया निकासी कर साइकिल से घर जा रहा था। इसी दौरान बाबा गणिनाथ धाम के समीप फोटो स्टेट की दुकान के सामने साइकिल लगाकर दोनों फोटो कराने लगा। इसी दौरान साइकिल में रखा थैला बाइक सवार दो झपटमार छीनकर खरीक महाविद्यालय चौकी और भाग गए। थैले में 54,800 रुपया था। थैला में पासबुक समेत अन्य कागजात थे। मामले को लेकर पीड़ित ने खरीक थाने में आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि झपटमार की पहचान की जा रही है। घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। यूपी से अपहृत युवती खरीक से बरामद। 27 मई को यूपी के जहांगीरगंज जनपद अंबेडकर नगर से अपहृत हुई युवती को खरीक बाजार से खरीक पुलिस के सहयोग से यूपी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मौके पर आरोपी सोनू पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को यूपी पुलिस साथ लेकर गई है। यूपी पुलिस ने बताया कि अपहृता के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नवगछिया के गोपालपुर में बैंक धोखाधड़ी मामले में एक गिरफ्तार। नवगछिया के गोपालपुर के 83 निवासी तेजस सिंह को बैंक से धोखाधड़ी के मामले में गोपालपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बनाए गए तालाब का वरीय उप समाहर्ता ने किया जांच। डीएम प्रणब कुमार के निर्देश पर वरीय उप समाहर्ता मोहम्मद मोइज जिया ने 40 लाख रुपए की लागत से गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सैदपुर गांव में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा खोदे गए तालाब की जांच अभियंताओं की टीम के साथ किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ मिट्टी का काम ठेकेदार द्वारा किया गया है, वृक्षारोपण व तालाब में आने जाने का रास्ता बनाया गया है। आपसी विवाद के कारण करचीरा गाँव में तालाब की खुदाई का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि रिपोर्ट डीएम कार्यालय को सौंप दी जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता इंजीनियर अनिल कुमार, कनिया अभियंता इंजीनियर रोहित कुमार व कनिया अभियंता लघु जल संसाधन विभाग सरोज कुमार जांच दल में शामिल थे। प्रखंड राजद के कार्यकारी अध्यक्ष बने अरुण। नारायणपुर प्रखंड के नगरपारा उत्तर
पंचायत के पंचमुखी हनुमान मंदिर परिषद नारायणपुर में सोमवार को राजद के प्रखंड अध्यक्ष केदार शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से प्रखंड अध्यक्ष के लिए नारायणपुर कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार को मनोनीत किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि भागलपुर जिले के राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव सहित कई अन्य उपस्थित थे। रंगरा प्रमुख ने ढोलबज्जा में किया जनसंपर्क। नौगछिया के रंगरा चौक प्रखंड के प्रमुख सह राजद के युवा नेता संजीव कुमार यादव ने सोमवार को नौगछिया के ढोलबज्जा पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाकर समस्याओं से रूबरू हुए और लोगों को राजद की विचारधारा से अवगत कराया। लोगों के बीच उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए वो इलाके की जन समस्या को लेकर संघर्ष कर चुके हैं। श्री यादव ने कहा कि ढोलबज्जा को प्रखंड बनाने को लेकर वे आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। वहीं मौके पर पूर्व मुखिया सचिदानंद यादव, आईटी सेल प्रभारी राहुल सिंह, समाजसेवी विनीतानंद, राहुल यादव, सनी यादव सहित कई अन्य उपस्थित थे। नारायणपुर के बनवा बहियार से देसी शराब की भट्टी, शराब बनाने के उपकरण समेत दो गिरफ्तार। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के कोसी दियारा के बनमा बहियार में सोमवार को भवानीपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर नगरपारा के लाल सिंह के बासा से कई लीटर शराब, शराब बनाने के उपकरण सहित लाल सिंह व डोमी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि कोसी दियारा के लाल सिंह के बासा पर से 2 लीटर देसी शराब, आधा लीटर कच्चा शराब, गैस सिलेंडर, चूल्हा, शराब बनाने के उपकरण में बर्तन को बरामद किया गया है। वहीं मामले में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। नारायणपुर में भाजपा ने जनसंपर्क अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। नारायणपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायत के विभिन्न गांव में सोमवार को मंडल अध्यक्ष पवन कुमार यादव के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान चलाकर प्रधानमंत्री के पत्रक को वितरण कर केंद्र सरकार द्वारा कार्य को बताया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने मंडल अध्यक्ष के तत्वाधान में जयपुर चूहर पश्चिम पंचायत के आशाटोल गाँव में पत्रक को वितरण किया। नवगछिया, भागलपुर सहित आसपास जिलों की खबरें हेतु सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और साथ ही सदस्य बने हमारे जीएस न्यूज परिवार के। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371787 7325052437 पर। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294855586। बैग है लेना तो बैग च्वाइस ही है जाना।